यहजेकेल 10 परमेश्वर के तेज का यरूशलेम के मंदिर से निकल जाना। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिरों के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। तब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के बीच नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। अतः वह मेरे देखते देखते उनके बीच में गया। जब वह पुरुष भीतर गया तब वे करूब भवन के दक्षिण की ओर खड़े थे और बादल भीतर वाले आंगन में भरा हुआ था। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की देवड़ी पर आ गया और बादल भवन में भर गया और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। करूबों के पंखों का शब्द बाहरी आंगन तक सुनाई देता था। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बोलने का सा शब्द था। जब उसने सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के बीच में से आग लेने की आज्ञा दी तब वह उनके बीच में जाकर एक पहिए के पास खड़ा हुआ। तब करूबों के बीच में से एक करूब ने अपना हाथ बढ़ाकर उस आग में से जो करूबों के बीच में थी कुछ उठाकर सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष की मुट्ठी में दे दी और वह उसे लेकर बाहर चला गया। करूबों के पंखों के नीचे तो मनुष्य का सा कुछ हाथ सा कुछ दिखाई देता था। तब मैंने देखा कि करूबों के पास चार पहिए हैं, अर्थात एक एक करूब के पास एक एक पहिया है और पहियों का रूप फिरोजा सा है। उनका ऐसा रूप है कि चारों ओर से दिखाई देते हैं, जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलने के समय में अपनी चारों अलंगों के बल से चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं, वरन जिधर उनका सिर होता है वे उधर ही उसके पीछे चलते हैं और चलते समय मुड़ते नहीं। पीठ हाथ और पंखों समेत करूबों का सारा शरीर और जो पहिए उनके हैं वे भी सब के सब चारों ओर आँखों से भरे हुए हैं। मेरे सुनते हुए इन पहियों को चक्कर कहा गया, अर्थात घूमने वाले पहिए। एक एक के चार चार मुख थे। एक मुख तो करूब का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह सा और चौथा उका पक्षी का सा। करूब भूमि पर से उठ गए। वे ही जीवधारी है जो मैंने कबार नदी के पास देखे थे। जब जब वे करूब चलते थे तब तब वे पहिए उनके आस पास तब तब वे पहिए उसके पास पास चलते थे और जब जब करूब पृथ्वी पर से उठने के लिए अपने पंख उठाते तब तब पहिए उसके पास से नहीं मुड़ते थे। जब वे खड़े होते तब भी वे खड़े होते थे और जब वे उठते तब ये भी उसके संग उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा इनमें रहती थी। यहोवा का तेज भवन की देवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। तब करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए और पहिए भी उसके संग गए और वे सब यहोवा के भवन के पूर्व फाटक में खड़े हो गए और इज़राइल के परमेश्वर का तेज उसके ऊपर ठहरा रहा। ये वे ही जीवदारी है जो मैंने कबार नदी के पास इज़राइल के परमेश्वर के नीचे देखे थे और मैंने जान लिया कि वे भी करूब है। हर एक के चार मुख और चार पंख और पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ भी थे। उनके मुखों का रूप वही है जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था। उनके मुख ही का क्या, वरन उनकी सारी देह भी वैसी थी। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। थैंक यू।